देखिए आप जो बता रहे हैं मुझे चाइना एक डिसरप्टर बना हुआ है, बट आई थिंक व्हेनेवर यू टॉक अबाउट चाइना देयर तीन शब्द हमेशा सबके सामने आते हैं। पहला तो मैं देख रहा था कि मौसम थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, बूंदे भले ही धीरे धीरे हो लेकिन हवा देर इज़ अ नेप इन द एयर, बहुत चिल है, काफ़ी ठंड भी लग रही है। लेकिन आपने जो चाइना का जिक्र किया वो ये है कि पहली चीज़ तो आप ये समझिए, आइए ज़रा इस तरफ कपिल, चाइना की जो पहली चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि चाइना को लेकर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, चाइना को लेकर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि चाइना इज प्लेइंग फ्रॉम द साइड्स, अमेरिका इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट। अमेरिका भले ही चाइना से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रहा था, चाइना ने उनके डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया था, अब जाके उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर मिल के आए हैं और उनका जो ताइवान पर स्टेटमेंट आया था वो थोड़ा सा चिंताजनक था, बट मोस्टली इट वॉज मिसकंस्ट्रूड। लेकिन तीसरा जो वजह है वो तीसरी वजह चाइना को लेकर ये है कि देर इज़ अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन द वर्ल्ड इन द जियोपॉलिटिक्स, और उस टेक्टोनिक शिफ्ट में यूक्रेन वॉर के बाद किन किन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस है, किन किन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये देखा जा रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत अभी भी पीस की बात कर रहा है लेकिन चाइना पीस की बात नहीं कर रहा है, चाइना इज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इन पीसेस, क्योंकि वो अभी भी जो उसकी विस्तारवादी नीति है उस पर काम करता है। अब भारत कभी भी किसी कंट्री को डिस्ट्रप्ट नहीं करता है, कभी भी अपने विस्तारवाद की कोई बात नहीं करता या कोई विस्तारवाद जैसी कोई चीज नहीं है, भारत का है सबका साथ सबका विकास, और उस मोटो पर आगे बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज योग दिवस पर आपने भारत की सॉफ्ट पावर देखी, लेकिन यहां पर वी मीन बिजनेस, और वो भी आपको याद होगा वो पुरानी लाइन जो प्रधानमंत्री जी की थी कि हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं। Exactly, निशांत, वापस आपके पास लौटते हैं, हमारे एक और सहयोगी रोहित शर्मा इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित, जरा ये बताइए, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री पहुंच तो चुके हैं व्हाइट हाउस, लेकिन डिनर टेबल की तस्वीरों का इंतजार सभी को है, पूरी दुनिया इस वक्त इन तस्वीरों पर नजर बनाकर रखी हुई है, वो तस्वीरें कब तक आएंगी और क्या कुछ चल रहा है व्हाइट हाउस में इस वक्त, अंदर आपके सोर्सेस क्या कुछ बता रहे हैं? रोहित के पास हम दोबारा लौटेंगे, एक बार वापस चलते हैं निशांत के पास। निशांत, मौसम की आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने जो तस्वीरें देखी थी कि प्रधानमंत्री जब आए तो जो बाइडेन खुद बाहर गए, उनको कार से लेकर जिल बाइडेन तक लाए, उनका हाथ पकड़े रहा, फोटो ऑप जब हुआ तो उस समय भी उनके कंधे पर हाथ था, ये सारा जेस्चर आप कैसे देख पा रहे हैं, और ये एक तरीके से जो एक्चुअल मीटिंग्स होनी है उसके ठीक पहले ये जो डिनर डिप्लोमेसी है, ये जो हल्के फुल्के पल शेयर किए जा रहे हैं, इसकी कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है वहां पर, इसकी चर्चा कैसी रही है अब तक, इसकी तैयारी को लेकर, इसके प्रिपरेशन को लेकर? मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आप लोग क्या इंडिया से हैं? आप लोग ये देखिए, मेरे सामने एक सज्जन है, कपिल इधर आइए जरा, व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े होकर ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जरा दिखाइए जरा यहाँ पर, व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े होके भगवत गीता पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इनका भाई साहब, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप बताइए। और आप यहाँ पर भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? श्री भगवान वाच सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, completely relinquishing all dharmas, realizing your inability to adopt jnana, karma, and bhakti yogas, surrender to me. What is the reason why you're reciting this right now in front of the White House? Will absolve you of all sins, the reactions of sins, as karma palam. Why here? What brings you here? Why are you doing it in front of the White House? Kyun kar rahe hain? Because the United States is the greatest country in the world, and it is in the image of parama padam, the location of the Nitya Vibhuti of Sriman Narayana and Mahalakshmi. The purpose of our souls is to do Sharanagati, absolute surrender. Has it anything to do with the Prime Minister, Indian Prime Minister inside? Absolutely. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhithanam dharmasya tadatmanam shajamiham. Whenever there happens a decline in Vedic Dharma, I, Bhagavan Sri Krishna, will manifest in whichever form necessary to restore Vedic order. Okay, and what do you think about the Indian Prime Minister? Mr. Narendra Modi is doing a fantastic job. Okay. He has what it takes to take the United States to the next level. Which part are you from in India? I am from Sri Ranga. My soul belongs to Paramapadam. Okay, can you just turn around?
इनके हाथ में भगवत गीता है, कपिल जरा दिखाइए यहाँ पर। और ये देखिए भगवत गीता यहाँ पर ये पढ़ रहे थे व्हाइट हाउस के ठीक सामने। मैंने देखा इनके दो मित्र यहाँ पर थे, सर अपना फोन बंद करके आप जरा इधर आ जाइए। इनके दो मित्रों को मैंने देखा जो कि शायद व्हाइट हाउस में शायद घूमने आए थे, देखने आए थे, और मैंने इनको देखा। और इनका बड़ा फेथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। आप लोग इंडिया में कहाँ से? सॉरी, मैं वृंदावन से हूँ। अरे वाह, आप कहाँ से? वृंदावन से। और आप यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हमारे अंदर है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? नहीं, हम लोग के प्रधानमंत्री अब आए हुए हैं। इससे बढ़िया बात तो आज देखिए हमारा फ्लैग पूरा अमेरिका में गुंजा हुआ है। ये अभी तक का पहले जैसा लग रहा है मेरे को। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? प्रधानमंत्री अंदर है अभी। कहने के लिए तो मेरे पास तो कुछ बात ही नहीं, बस मेरे को तो बहुत खुश हो रहा हूँ। बस ये फ्लैग देख के मेरे पास आज तो ये जिस फ्लैग का जिक्र कर रहे हैं, कपिल इधर आइए जरा, ये देखिए सामने एक फ्लैग दिखाई दे रहा है आपको। ये एक नहीं है कई सारी फ्लैग, एक्सक्यूज मी। वो देखिए उस तरफ आइए कपिल, वो व्हाइट हाउस के एक एंड से लेकर ऑन द राइट, कपिल पैन करती है जाइए अपने राइट में। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ फ्लैग्स ही फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये भारत और अमेरिका के फ्लैग्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये ठीक सामने व्हाइट हाउस आपके सामने, ये देखिए। और इस व्हाइट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। द स्पिरिट विद विच यू सी ऑल दिस, ये जो एक एक स्पिरिट है ये अपने आप में सबको अभिभूत कर रही है, सबको बता रही है द थिंग्स आर चेंजिंग एंड इट्स नाउ इंडियाज टाइम। बैक टू यू इन द स्टूडियो। बिल्कुल, और जैसा कि हम देख भी रहे थे लोग इतने उत्साहित रहे हैं शुरू से ही। आपकी रिपोर्ट्स निशांत हम देखते रहे, लोग कैसे अपने एक्सप्रेशंस को हमसे शेयर करते नजर आए। और अभी जो आप फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, तिरंगा झंडा देखकर वहां जो मौजूद हर भारतीय वो जोश से भर जाता है। निशांत कुछ कह रहे हैं आप? यस यस, ओवर टू यू। मेरे साथ इस वक्त एक अमेरिकन मौजूद है। यू फ्रॉम अमेरिका, राइट? आई एम। व्हाट्स योर नेम सर? नियो वॉकर। Okay, and our Prime Minister is inside, Prime Minister Narendra Modi. How do you see America and India's relation coming together? The two largest, greatest democracies in the world. I can't wait until the relationships improve. And is it not amazing that the two, the largest and the strongest democracy are coming together to bring in peace in the world? I agree. I sincerely hope, I know that India has a historic relationship with Russia, and I understand that. But I also hope that India will see that the aggression that has been wrought. Understood. Upon. But don't you see that the way India is bringing in the change and talking about peace, talking about negotiation, talking about understanding each other, that's what is needed at this hour of the moment. It is helpful, but you can't compare the victim of rape. Absolutely. With the perpetrator. Absolutely, absolutely. Thank you very much. So what's your name? Neil Walker again, and it's a pleasure to meet all of you in India. I've lived in Bangladesh and visited India many times. It's a wonderful country. Do come again. The country has completely changed. A lot of things are happening there. Thank you very much. You. Neil Walker, America, wo keh rahe hain. Dekhiye, yahan par just understand, this is what matters a lot. Russia, Ukraine is right in their mind. Aur yahan par jab pradhanmantri andar honge, to hamara interest kis mein? हमारा इंटरेस्ट है चाइना को लेकर, हमारा इंटरेस्ट है पाकिस्तान को लेकर, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट डेफिनेटली, आज अमेरिका को एक ऐसा कंट्री चाहिए जो नेगोशिएट कर पाए, जो बातचीत कर पाए, जो मीडियम बन पाए, एंड हु कैन बी बेटर देन इंडिया? क्योंकि जो रोल टर्की का था, टर्की को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, चाइना को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट क्या, चाइना के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं है। निशांत, ये बहुत ही इंडिया जो है उसका एक बैलेंसिंग एक्ट है, दिलचस्प मोड़ है। अगर डिप्लोमेसी की हिस्ट्री की बात करें, एक दौर था कि भारत से जुड़े जितने मसले थे उसमें रूस या अमेरिका की भूमिका रहती थी, और भारत कई बार इन देशों की मदद ले चुका है अपने मैटर्स को नेगोशिएट करने कराने में। लेकिन ये देखिए कैसे चीजें बदली हैं, और अब अमेरिका ये देख रहा है भारत के उस सबसे बड़े इशू को, भारत कोई रिजोल्यूशन की तरफ ले जाए, भारत कोई भूमिका निभाए। ये बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं है, हिस्टोरिकल शिफ्ट नहीं है कि अमेरिका ये उम्मीदें कर रहा है कि कहीं रशिया से कोई ब्रेक थ्रू मिले भारत के माध्यम से? देखिए अभी अमेरिका क्या उम्मीद कर रहा है, इट विल बी टू अर्ली टू से, लेकिन डेफिनेटली थिंग्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन जहां पर वो भारत की तरफ देख रहा है कि somebody who can talk to Russia, क्योंकि आज जो डिवाइड हुआ है वेस्टर्न पावर्स और रशिया के बीच में, there's nobody to talk to them. आप मुझे बताइए कौन से मुल्क उनसे बातचीत कर सकते हैं?
मैक्रों कर रहे थे वो बातचीत नहीं कर सकते हैं, शोल्ज कर रहे थे वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से टैंक्स और वेपन्स दिए गए, फिर उसके बाद चाइना, डेफिनेटली चाइना के ऊपर अमेरिका का ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर आप किससे बात करेंगे, टर्की, टर्की को लेकर अभी अभी जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो F-16s की जो F-35 की जो बात चल रही थी उसको लेकर काफ़ी मतभेद हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए द ओनली कंट्री दैट कैन बी अप्रोच टू एटलीस्ट इनिशिएट अ टॉक, क्योंकि नेगोशिएशन विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ थिंग्स, देयर लॉट ऑफ कंडीशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सो इनिशिएट टॉक्स विद रशिया, और ओनली कंट्री दैट कैन कन्वे अ मैसेज इज इंडिया। जिस यूनाइटेड नेशंस में आज प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे योग दिवस के लिए, आप उस यूनाइटेड नेशंस को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिंग टॉक्स, देयर इज अ मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट। तो ऐसा कौन सा मुल्क है जो पूरी दुनिया में फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रेंथ बात कर रहा है, दैट इज इंडिया। वेल बिफोर इट गेट्स, मैं अपना यह अम्ब्रेला थोड़ा हटाना चाहूंगा। कपिल, जस्ट शो द व्यू, लाइट्स आर ऑन और इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट हाउस इन अ वेरी डिफरेंट लाइट, मेटाफर इज फिक्सिंग इज एक्चुअली फिटिंग द रियल सिचुएशन राइट नाउ। ये देखिए इन अ डिफरेंट लाइट, ऊपर से जो बादल है वो छट रहे हैं और जो मिथ और जो एक तरीके से बादल थे, जो भी डाउट्स के वो भी छट रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें हमारे सामने हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं, सर आप इंडिया से हैं? अच्छा ओके, आप इंडियन हैं तो आइए आप जरा इधर यहाँ पर, ओके नेवर माइंड। यहाँ पर कई सारे इंडियंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ये दिस इज अ वेरी एपिक मोमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट। बैक टू यू इन द स्टूडियो। बिल्कुल निशांत, यह ऐतिहासिक मौका है जब दो महाशक्तियां आपस में मिल रही हैं और दोनों संभावनाएं बहुत ज्यादा एक दूसरे में देखती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। अचल सर, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं और ये बताइए, सुबह के 6 बजने जा रहे हैं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जरा उनके लिहाज से एक बार बताइए और ये समझाने की कोशिश करिए कि ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, इस मुलाकात से क्या कुछ होने जा रहा है, दोनों देशों के लिहाज से ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उसको हम ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ यही है देखना कि इन रिश्तों को हम किस तरह से नए मुकाम देते हैं, नए आवाम पे लेके जाते हैं, और वो दोनों देशों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में होना चाहिए और ऐसा होता भी है। मुझे लगता है कि आपका चैनल जो इंटरनेशनल कवरेज बहुत ही डिटेल में करता है और बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, लेकिन आपके दर्शकों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसकी जो पिक्चर है वो रोजी तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट हो भी नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो दो मैच्योर्ड देश जब आपस में बातचीत करते हैं तो जहाँ कन्वर्जेंसीज होती हैं उसी पर फोकस करके आगे की दिशा में बढ़ने की कोशिश की जाती है। भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आज की तारीख में हमने जो फ्री ट्रेड एरिया और मिनी ट्रेड डील की बात जो पहले पिछली विजिट में काफ़ी हाईलाइट होती थी, फिलहाल उसको हमने बैक बर्नर पे रखा क्योंकि वहाँ पे हमारी कन्वर्जेंस नहीं हो रही है। बहुत से और दूसरे मुद्दे हैं, रशिया उक्राइन लेके जहाँ हमारे नॉन्सिकल डिफरेंसेज है, इवन चाइना को कैसे डील कर रहा है उस अप्रोच में भी हमारी थोड़े ओपिनियंस डिफर करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम समझते हैं कि जहाँ कन्वर्जेंस है, बड़े बड़े मुद्दे हैं, टेररिज्म का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस उनकी रिफॉर्म का मुद्दा है, इन सब चीज़ों पे अगर हम साथ मिलकर पूरे विश्व के हित में काम कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। जहाँ हमारे थोड़े बहुत डाइवर्जेंसेज हैं, डिफरेंसेज हैं, उनको बैक बर्नर पर रख के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, एक और चीज सर, एक चीज रविंदर सर, एक चीज जो परिवर्तन मैं महसूस कर रहा हूँ, एक दशक पहले जब भारत से अमेरिका बात करता था तो उसको बैलेंस करना पड़ता था दो तीन जगहों पर, वो चाइना को बैलेंस करता था, वो पाकिस्तान को बैलेंस करता था, वो बाकी जगहों पर बैलेंसिंग एक्ट करता था, लेकिन ये चीजें अब देखने को मिल रही है, ये बड़ा चेंज मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कल जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे तो चाइना के प्रेसिडेंट को तानाशाह कहना, पाकिस्तान को लेकर कोई बातचीत ना करना और पाकिस्तान को दो टूक कि वो आतंकवादियों को पोषण करता है, इस तरह का जो स्टैंड है ये क्या क्लियर संदेश देता नजर आ रहा है और इस स्टैंड के परिवर्तन के मायने कैसे समझाएंगे आप? देखिए, बेसिकली ये जो कहते थे ना पहले हाइफनेटेड रिलेशनशिप्स है, हमारी डी हाइफनेट हो गई है। पाकिस्तान तो आज की तारीख में पिछले 20 साल से धीरे धीरे एकदम किनारे कर दीजिए आप,
भारत अपने अपने बूते पर, अपनी इकोनॉमी पर, अपनी पॉपुलेशन पर, अपनी इनोवेशन पर, अपनी लीडरशिप पर आगे अपना एक पोजीशन बना रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में, तो उसका वो कुछ नहीं है। मैं दो तीन क्विक पॉइंट कहूंगा। देखिए बिग पिक्चर में क्या चल रहा है, अमेरिका दुनिया का नंबर वन एम्पायर है। अमेरिका ने अभी ठान लिया है कि वो जो नंबर टू एम्पायर उसको कभी नंबर वन नहीं बनने देगा। चाइना नंबर टू है, चाइना कहता है रोक सको तो रोक लो। ये बेसिक जंग है दुनिया में ओवरऑल। वन सेकंड, एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से छोटा सा हमारे लिए रेड फ्लैग भी आ गए। क्या हम समझते हैं कि अमेरिका और चाइना हमेशा दुश्मन रहेंगे? अमेरिका और चाइना लड़ाई भी कर सकते हैं अगले 5-6 साल में, और उसके 2-3 साल बाद दोनों आपस में डील कर सकते हैं। ट्रंप जब था, ट्रंप ऑलमोस्ट डील कर रहा था, चाहे जो भी कह रहे थे। तो ये दो, अमेरिका यू टर्न्स लेता है और डील्स करता है। लेकिन फिलहाल स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। आप जिस आशंका की बात कह रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कितनी है और कैसे हो सकती है, ये भविष्य की बात है। जी जी द्विवेदी सर, लेकिन एक चीज जो है, क्या ये सवाल अपने आप में सही है कि पिछले कुछ समय में अमेरिका इंडियन इंटरेस्ट के लिए ज्यादा टॉलरेंट हुआ है? मतलब कि अगर भारत इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है, भारत अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कोई भी डील कर रहा है, कोई भी बात कह रहा है, कोई भी ग्लोबल स्टेप ले रहा है, तो अमेरिका पहले के मुकाबले ज्यादा टॉलरेंट दिख रहा है, अमेरिकन पॉलिसी ज्यादा टॉलरेंट दिख रही है, या फिर वैसा ही है बिल्कुल जैसा पहले था? नहीं नहीं, काफी बदलाव आया है। सबसे पहले भारत का कद बढ़ा है, यानी कि जब हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, भारत की पावर बढ़ी। जैसे ही आपकी ताकत बढ़ती है तो आपको वैसी इज्जत भी मिलती है। तो इस समय भारत को जो अमेरिका से इज्जत मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है कि भारत की जो पावर है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, वो काफी हद तक बढ़ी है। और दूसरा, जो भारत ने जो पिछले 10-15 साल में बहुत तेजी से तरक्की की है। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है कि भारत अपने आप को अभी एक इंडिपेंडेंट यूनिपोलर वर्ल्ड में जो है थी, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने की अभी हमारी काबिलियत है, और अमेरिका समझता है। तो आखिरी बात ये कहूंगा कि अगर चाइना का कोई भी मुकाबला कर सकता है, वो भारत है। भारत में काबिलियत है, भारत में ताकत है, हमारी इकोनॉमी भी मजबूत है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत है, और हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि हम वी आर डिस्टाइंड टू प्ले ए ग्रेट रोल इन इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडो पैसिफिक हम अहम भूमिका निभाएंगे, और वो अमेरिका का एक बहुत ही अहम इलाका। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस रिलेशन को लेकर, कि भारत की जो ताकत है, जो भारत का कद बड़ा है, भारत की जो अपनी स्थिति है भौगोलिक, वो सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, ये इसी का एक कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है। भारत का ये सम्मान, भारतीय प्रधानमंत्री का ये स्वागत, इन तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। एक खबर, एक अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे।